दीजिए। लाखों की बाजी लगाकर करोड़ों जीतने वाले कुछ आप जैसे लोगों की वजह से इस कैसीनो का नाम सितारे की तरह चमक रहा है। ये कैसीनो सितारों की तरह नहीं, जुगनू की तरह चमक रहा है, और जुगनू आज मेरी मुट्ठी में है। मैं आपका मतलब समझा नहीं। वैसे ये नकली नोटों का कारोबार
कब से चल रहा है? ये क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो। इस कार्ड को पढ़ो। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सीबीआई। इस बैग में क्या है? कुछ नहीं, खाली है सर। सारे पैसे इसमें डालो और जब तक हमारी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती ये सारे पैसा हमारे कब्जे में रहेगा। देखिए सर, आपको इस कसीनो के बारे में किसी ने जरूर गलत रिपोर्ट दी है, यहाँ तो जाली नोट का सवाल। आपको सुनाई कम देता है क्या? नहीं सर। कम ऑन, हरी आप। व्हाट्स द मैटर? बात क्या है? अरे आइए आइए सर, ये सीबीआई से। इन्हें गलत फहमी है कि इस कसीनो की आड़ में जाली नोटों का कारोबार चलता है। सर आप इनको बताइए ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आई सी। मे आई सी योर कार्ड? आपकी तारीफ। मैं इस शहर का एक्स मेयर हूँ और अक्सर यहाँ आता हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। इससे पहले कि तुम इस कैसीनो के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लो, मैं तुम्हारा कार्ड देखना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? एक जिम्मेदार ऑफिसर पर आप शक कर रहे हैं? हाँ ठीक कर रहे हैं ये। यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का खेल समझो यहीं पर खत्म हो गया है। मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ और पुलिस को इस आदमी की कई महीनों से तलाश है। ये सीबीआई के भेस में जाली कार्ड बनाकर कई फाइव स्टार होटल्स और क्लबों में जाकर जाली नोटों के कारोबार को लेकर धमकी देता है और फिर इंक्वायरी के बहाने पैसे लेकर फरार हो जाता है। ज्यादा चलाक बनने की कोशिश मत करो, बाहर जाकर देखो। पुलिस ने इस कसीनो को चारों तरफ से घेर लिया है। सीधी तरह रिवॉल्वर मेरे हाथ में दे दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। स्लोली स्लोली। सही वक्त पर आकर आपने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे केस फाइल करने के लिए इन रुपयों की जरूरत पड़ेगी। आप पुलिस हेडक्वार्टर आकर कल ये रुपये ले जा सकते हैं। लेकिन सर इतनी बड़ी रकम? बस यही शिकायत है मुझे जनता से, हम पुलिस वालों की मदद कभी नहीं करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर खुद चलिए और जब तक इस मुझे और आपके कारोबार की पूरी जांच पड़ताल नहीं होती तब तक आप इन पैसों के साथ वहीं बैठे रहेंगे। समझे आप? नहीं 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 नहीं, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। देखिए अगर ये वक्त पे यहाँ नहीं पहुँचते तो आपके पैसे तो चले गए होते। अरे आपको तो पुलिस की मदद करनी चाहिए। आई एम सॉरी सर, आप ये पैसे ले जाइए। ये लीजिए। थैंक यू। चलो फ्रॉड सर, रंगीला रतन को उल्लू बनाने आया था। बेवकूफ। ओके। वेल डन ऑफिसर्स। वाह। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और आज आपकी वजह से एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। हम लोग कोई ऑफिसर वॉफिसर नहीं है साहब, हम लोग धंधे वाले हैं। ऑफिसर तो वो मूछों वाले थे जो ऊपर गए, कहने लगे ऊपर देखते रहो। हम देखते रहे, उसके लिए हम लोगों को 300-300 रुपए दिए हैं। क्या तुम लोग पुलिस वाले नहीं हो? नहीं साहब, हम लोग सब धंधे वाले। मेयर साहब, एक करोड़ का चूना लगा गए, हम लोग लूट गए। मेयर साहब, हम लोग लूट गए। एक करोड़ रुपया। बड़े भाई का कॉलर पकड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई? बड़ा हीरो बनता है। अरे भैया अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उनको हम पर शक नहीं हो जाता? वैसे तूने एक्टिंग अच्छी की है। अरे भैया अभी तक हमने अपनी एक्टिंग दिखाई कहाँ है, ये तो एक छोटा सा सैंपल था। अजय भैया जिस दिन हम फिल्म लाइन में चले जाएंगे तो पूरी की पूरी दुनिया पागल हो जाएगी और कहेगी अजय भाई जरा अपने छोटे भाई अमर का ऑटोग्राफ दिलवा दीजिए ना प्लीज। ये रिश्ता तो टूट
मेरी दीदी को मार डाला। कौन बोलो, नाम बताओ। मेरे पिताजी को मार डाला। क्या बात है भैया, आज हमारे इस कामयाबी पर आपको खुशी नहीं हुई? खुशी तो मुझे उस दिन होगी जिस दिन धनराज और जगराज की हत्या मेरे हाथों होगी। उन दो दरिंदों ने हमारे पिताजी और हमारी मासूम बहन राधा को जिंदा जला डाला। जब तक उनको जलाकर राख ना कर दूं, तब तक मेरे दिल की आंख ठंडी नहीं होगी। वो दिन दूर नहीं भैया, क्योंकि जिस रास्ते पर हम उन्हें तलाश करने निकले हैं, उस रास्ते के किसी ना किसी मोड़ पर वो दरिंदे हमें जरूर मिल जाएंगे। सिट डाउन जेंटलमैन, सिट डाउन। दोस्तों, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आज तक जो कुछ भी हमने आप लोगों के सामने पेश किया, जैसे RDX ब्राउन शुगर, आप लोगों ने इसे बेहद पसंद किया और हमसे मुंह मांगे दामों में खरीदा। वो सब तो ठीक है, पहले आप ये बताइए वो फार्मूला कब देंगे जिसके लिए आपने एडवांस लिया था? इसी खुशखबरी के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। हमारे पास उस फार्मूले का सैंपल आ गया है। हमें सैंपल नहीं, फार्मूले से मतलब है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को और एडवांस देना पड़ेगा। अब एडवांस मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अगर आप इसी वक्त डिलीवरी नहीं दे सकते तो मेरे रुपए मुझे वापस कर दीजिए, मुझे आपके साथ डीलिंग नहीं करनी। हेलो मार्शल है? हाँ मार्शल, बोलो। हमारा भेजा हुआ सैंपल का टेस्ट किया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है। यू प्लीज होल्ड। वक्त आ गया है? That's good. हाँ तो मिस्टर नारंग, आप हमारे साथ डीलिंग नहीं करना चाहते ना सही, मगर कम से कम हमारी मेहमान नवाजी तो मत ठुकराइए। चलिए शरबत पी लीजिए, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अरे पी लो भाई, हम तुम्हें तुम्हारा एडवांस वापस लौटा देंगे। आप सब लोग रुक जाइए, आप और हम लोग बाद में पियेंगे, पहले इन्हें पीने दीजिए। इन्हें बहुत जल्दी है क्योंकि इन्हें जाना है। कल तक मुझे मेरे रुपए वापस मिल जाने चाहिए, और वो भी इंटरेस्ट के साथ, वरना ठीक नहीं होगा। धनराज, हमने अपने सैंपल की आवाज इधर सिंगापुर में सुन ली है। वाकई मार्शल, ये चीज तो कमाल की है भाई। अब तो मैं अपने कंट्री में लाशों का ढेर लगाने के लिए इससे बढ़िया चीज नहीं मिल सकती है। कीमत? इंडियन मार्केट में इसके लिए 20 करोड़ काफी है। मंजूर है। मैं बहुत जल्दी ये फॉर्मूला फ्लॉपी में डालकर तुम्हें भेजता हूँ, तुम पैसा तैयार रखना। जगराजी बहुत लफड़ा हो गया। जानते हैं कसीनो लूट गया, यही ना? अरे हाँ, लेकिन आप चिंता मत करो, लूटने वाले हमसे बचकर जाएंगे कहाँ। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी इसी तरह अपना एडवांस वापस चाहिए? और अगर चाहिए तो शरबत हाजिर है, पीजिए। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला जिस किसी के पास होगा वो अपने इलाके का बेताज बादशाह होगा। पेमेंट के लिए हम आपको 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, अब आप जा सकते हैं। क्या बात है मेयर साहब, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं मिस्टर जगराज, मैं परेशान नहीं बल्कि सोच रहा हूं कि पुलिस की निगरानी और छानबीन बढ़ती चली जा रही है, हथियारों की सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा। हुजूर, आप नाहक परेशान हो रहे, कुछ भी नहीं होगा। जगराज साहब के साहबजादे प्रेम ने ACP सिन्हा की बहन को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है, और रही रिश्ते की बात, वो मैंने कर ली है। क्या बात है मामा? मामा, ये रिश्ता अगर हो गया ना तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हमारी मुट्ठी में होगा। ओ फोन
जल्दी करो, मेहमानों के आने का समय हो रहा है और तुम अभी तक सफाई करो। जल्दी से थाल लेकर आओ। हाँ ठीक से रख दो इसको। कर लो भाई। हाँ ठीक है, उठ ले जाओ। ओ भैया आप यहाँ बैठे क्या करें, दरवाजे पर जाइए ना, वो लोग आने ही वाले हैं। जल्दी जल्दी थाल यहाँ रखो, फूल यहाँ यहाँ रखो, एक फूल वहाँ रखो। राधा प्रताप अरे जल्दी आओ, वो लोग आने ही वाले हैं। ऐसी सज रही है कलमुही जैसे वो लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं, मेरी बेटी को नहीं। प्रताप इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर हो गया दीदी, मगर उसको अकल नहीं आई, हर वक्त बीवी के पल्लू में अपने आप को बांध के रखता है। कलमुही कहीं मम्मी मम्मी बेटा कैसी लग रही हूँ मैं? ब्यूटीफुल माय डार्लिंग। पता है जब प्रेम ने मुझे पहली बार देखा था ना तो इसी ड्रेस में देखा था। हाँ और देखते ही कहा था यू आर माय स्वीटहार्ट। लवली ड्रेस डार्लिंग, दिस कलर इज ब्यूटीफुल। सब ठीक है ना माँ? उमा तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए लोग आने वाले हैं और तुम ऐसे कपड़े पहनकर उनके सामने जाओगी, ये ठीक नहीं है। अच्छा तो ये ठीक है कि जिस घर ने तुझे सहारा दिया उसी घर के बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ले? हर काम में टांग अड़ाती है, अपना काम कर, जाकर देख किचन में सब तैयारी हुई कि नहीं, जा। राधा ने ऐसी कौन सी गलत बात की जो आप? लो जी भाभी ने कुछ कहा नहीं और भैया की वकालत शुरू हो गई। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा था, यह असूल की बात है। आप अपनी ड्रेस देखिए क्या पहन रखा है। चुप कर, मेहमान आ गए। हाय प्रेम। हाय उमा, हाउ आर यू? इनसे मिलो, ये मेरी मम्मी है। नमस्ते आंटी। भैया प्रेम। हाय मम्मी, मैं इनको अपना घर दिखाऊं? हाँ दिखाओ ना बेटा, कम चलो। प्रताप आप हैं लड़की के भाई, एसीपी प्रताप सिन्हा। मैं जगराज प्रेम का फादर। नाइस मीटिंग यू। और ये मेरे पार्टनर हैं धनराज। हेलो, नाइस मीटिंग यू। ये मेरी माँ है। नमस्ते जी। नमस्कार। आइए आइए बैठिए ना। आइए। सिन्हा साहब आपकी इतनी तारीफ सुनी थी, चलो अच्छा आज आपसे मुलाकात भी हो गई। आपसे रिश्ता करके हमें कितनी खुशी हो रही है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रिश्ते की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। इतनी सारी तस्वीरें? मुझे ब्यूटी क्वीन बनने का बहुत शौक है। और रियली? और ये शौक पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब प्रेम है तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यूं मिस यूनिवर्स बना सकता हूँ। आप बिजनेस क्या करते हैं जी? आपको ये भी बताना पड़ेगा पहले क्या थे। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो गैर कानूनी हथियार भी होते हैं। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। अब तो छोड़ो ना, आगे का शादी के बाद। शादी का कौन इंतजार करेगा? आप क्या लगा चाहती हैं? क्या हम कोई चोर चुके हैं? इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मेरी बीवी जो पूछ रही है उसमें गलत क्या है? अगर आपको जवाब नहीं देना तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। पता पिता तुम कैसी बातें कर रहे हो? वही बात कर रहा हूँ माँ जो आपको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। प्रेम, हमें यहाँ बुलाकर हमारी इस तरह बेइज्जती करके आपने अच्छा नहीं किया। डैड क्या हुआ? चलो बेटे ये रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ? लेकिन क्यों? आइए आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, ये भी लेते जाइए। हाँ, ले जाते हैं। भाई सब सुनिए तो। अब सुनने को कुछ बाकी है? हाँ? भाई साहब रुकिए रुकिए ना, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक कलमुही? तू नहीं चाहती कि मेरी बेटी का जीवन सुख से गुजरे? मैं तो कहता हूँ बहन, जब से इसके कदम इस घर में पड़े हैं हर बात उल्टी हो रही है। पहले जीजाजी प्रलोक से धार गए, अब इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया। मामा जी, राधा ने जो कुछ भी किया है इस घर की जिम्मेदारी समझ के किया है। अरे क्या खाक किया है इसने? इसके कमीने भाई बिछड़े ना होते तो मुझे आज ये दिल देखना ना पड़ता। फेंक कर आती इसको उनके पास। चल बेटी। राधा मैं जानता हूँ, जब भी तुम्हें तुम्हारे भाइयों का ताना मिलता है तुम तड़प सी जाती हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन मैं तुम्हारे भाइयों को ढूंढ कर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। स्माइल स्माइल। ये ऊपर साइड जो पेच है ना, ये थोड़ा लूज है, इसको भी टाइट करो। जी सर। और एडिटर में जो पानी हमें जी, तुमने पिछले महीने के अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स अभी तक ऑफिस में नहीं पहुंचा है? अरे भैया ये तो वही कसीनो वाला भोंदू है।
लगता है इस शोरूम का मालिक भी यही है। लगता है मैंने आप दोनों को कहीं देखा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक बार जो हमें देख लेता है जिंदगी भर भूल नहीं सकता। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग मरने के बाद भी हमें भूल नहीं पाते हैं, आते जाते रहते हैं। जी he means to say ख्वाबों में, सपनों में। I like that. But if I'm not mistaken, आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। मैं तो वैसे कहीं आप रीजनल फिल्म के हीरो तो नहीं हैं? नहीं, वैसे मेरा नाम रंगीला रतन है और मैं ये शोरूम का मालिक हूँ। ओह, अरे हमारा तो भाग खुल गए, डायरेक्ट मालिक से मुलाकात हो गई। वैसे सीनियर सक्सेना, जूनियर सक्सेना, लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी। ओह, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत? हाँ, खिदमत ये है कि आप जल्दी से फटाफट अपनी लेटेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी हमको दिखा दीजिए। अरे जनाब, इस शोरूम की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी के पास तो आप खड़े हैं। इसकी कीमत क्या है? ऑन रोड 7 लाख। बस आप कागजात तैयार कीजिए ब्रदर, 7 लाख चेक अकाउंट पे राइट नाउ ब्रदर। सक्सेना साहब, या तो हम कैश लेते हैं या फिर ड्राफ्ट। मिस्टर रंगीला रतन, ये 7 लाख रुपया लेकर कोई रास्ते में घूमेगा तो नहीं? नहीं सर, मैं समझता हूँ, लेकिन या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आपके बैंक से कंफर्मेशन ले लेता हूँ। रंगीला रतन, हमारे भाई की जुबान पर करोड़ों रुपए की डीलिंग हो जाती है और एक मामूली से 7 लाख रुपए की अमाउंट पे भाई 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 भाई, ये फॉर्मेलिटी से करना पड़ता है। कूल इट, ठीक है। फिर मैं आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देता हूँ और ये फोन नंबर देता हूँ, ये चेक आप कंफर्म कर लीजिए। ओके, थैंक यू। अरे अमित, जरा गाड़ी के पेपर्स तैयार करना यार, मैं फोन करके आता हूँ। ओके। यस, बैंक मैनेजर खन्ना बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं रीगल कार्स के शोरूम का मालिक रंगीला रतन बोल रहा हूँ। मिस्टर अजय सक्सेना का अकाउंट नंबर 3013 आपके बैंक में है, उन्होंने मुझे एक 7 लाख रुपए का चेक दिया है गाड़ी खरीदने के लिए। आप चेक ले लीजिए, उनके अकाउंट में बहुत पैसे हैं। सक्सेना साहब, मैंने आपके बैंक से कंफर्म कर लिया है, ये रही गाड़ी की चाबी है, गुड लक, और ये रहे आपके पेपर्स। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर। और रंगीला साहब, मैं आपसे नाराज हो गया था, लेकिन आप एक बात सच बताइए, क्या आप सच में ओरिजिनल फिल्म के हीरो ने हैं? अरे क्यों मजाक करते हैं यार जी, क्या बात करते हैं आप, आपको हीरो से कम लगते हैं जी। अरे वाह वाह, क्या बात है जी, अरे एकदम हीरो लग रहे हैं आप। बाय। नमस्कार, नमस्कार। बोलो जी। ये शोरूम आपका है? हाँ जी, बोलो कौन सी गाड़ी चाहिए? गाड़ी चाहिए नहीं जी, हमको वो गाड़ी बेचने की है। क्यों मजाक कर रहे हो भाई, यह गाड़ी तो न्यू ब्रांड है, कहीं यहाँ गाड़ी चोरी की तो नहीं है? के बोलियो। नहीं नहीं भाई, नाराज होने की क्या बात है। ठीक है, मैं थाना का 3 लाख रुपए दे सकूँ। 7 लाख की गाड़ी 3 लाख रुपए, थोड़ा दिमाग तो खराब नहीं होगी? नहीं नहीं, एक मिनट, ये देखो भाई, हमको दिल्ली एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। अगर ये गाड़ी आप 3 के बजाय 5 में ले लेंगे तो इसी वक्त हम ये गाड़ी आपको दे देंगे। ठीक है, मान लिया, थारे को कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं पीछे का बंदोबस्त कर दूं। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, क्या मेरे शोरूम की ब्रांड न्यू गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं? देखिए साहब, हमको दिल्ली बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, कब तक आपके पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा? यही है वो दोनों। ओह, तो ये आ गया थारो पैसो? मैंने तो था दोनों पे पहले तो शक हो। यही है वो चोर जिन्होंने मेरे शोरूम से गाड़ी चोरी? चोरी नहीं, चोरी नहीं, 7 लाख रुपए का चेक दिया था आपको। तो फिर आधी कीमत में क्यों बेच रहे थे आप? देखिए साहब, इस गाड़ी के मालिक हम हैं, इसे हम आधे में बेचे, क्वार्टर में बेचे या दान में दे दे, इससे आपको क्या मतलब? अरे मालिक काहे के है सर, ये देखिए, इन्होंने मुझे बोगस चेक से पेमेंट किया। बोगस नहीं है, आपने बैंक में खुद फोन करके कंफर्मेशन लिया था। ये चेक बोगस है कि नहीं, इसका फैसला बैंक करेगी। हम बैंक नहीं जा सकते। देखिए साहब, दिल्ली में हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, अगर हम वहाँ सही वक्त पर ना पहुँचे तो हमारा 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। सर मैं कहता हूँ आप इन्हें बैंक ले चलिए, ये चेक 100% बोगस है। चेक बोगस नहीं है। अरे तुम चुप रहो ना यार, अगर ये चेक बोगस नहीं हुआ ना सर, तो मैं ये गाड़ी इनको फ्री में दे दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं, आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। सर सोचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये चेक 100% बोगस है। एक मिनट, जब आप हम पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? देखिए, माय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, और आप इस स्टैंप पेपर पे साइन कर दीजिए, और इसमें ये लिखा है कि अगर हमारा चेक बोगस नहीं है तो आप हमें ये गाड़ी फ्री में दे देंगे। लाइए, मंजूर है मुझे। क्या बात है रंगीला जी, साइन कीजिए।
अच्छी तरह से सोच लीजिए। सर सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये बोगस है। लीजिए एक बार फिर सोच लीजिए, चेक बोगस नहीं है। सर आप इनको ले चलिए ना प्लीज। चलिए चलिए चलिए, वहां जाके मालूम पड़ेगा। भाइयों आज से निपटा के बाद था से निपटूगो। अरे ये लोग तो मैंने बहुत बड़े ठग लग गए। 7 लाख रुपयों का ये चेक आप जब चाहें कैश करवा सकते हैं रतन साहब। और ये बात तो मैंने आपको फोन पे बताई थी। तो आपको कहीं रास्ते में छोड़ दें? खामोश! क्या तुम इतने नालायक हो गए? नहीं। क्या ये पैदल घर तक जाएंगे? जाओ गाड़ी में इन्हें घर तक छोड़कर आ जाओ। ओके जा। चलिए साहब रोक लो इन्हें, आपकी नजर के सामने मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। रतन सेठ तुमने इन्हें इस गाड़ी का प्रॉमिसरी नोट लिखकर अपने हाथ काट लिए। कानूनी तौर पर मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनो तुम दोनों ने मेरी आंखों के सामने बड़ी चालाकी से फ्रॉड किया है। इस बार तो बच गए, लेकिन याद रहे कानून की गिरफ्त बहुत लंबी होती है। एक बार इसकी लपेट में आ जाओगे ना तो जो ये बाकी की जिंदगी बची है जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। चल हमने बोला था ना चेक बोगस नहीं है। अरे तुम चुप रहो ना यार। इसी पीछे वो देखो ना जा रहे, वो तुम्हारा चश्मा भी ले गया है दफर कहीं का। भैया ये रहा आपका नाश्ता। सॉरी भैया कोई बात नहीं। भैया आपको लगता नहीं कि इतना बड़ा बड़ा सा घर कुछ सोना सोना सा लगता है? मेरा मतलब था कि अगर आपकी शादी हो जाती तो। समझ गया, मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जा रही है। नहीं नहीं साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तुझे लड़की पसंद आ गई? लड़की और मैं क्या बात कर रहे हो? मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसकी तस्वीर आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। भैया जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो ना उसका मैं प्रिंसिपल रहा। जल्दी से उस लड़की का पता बता दो ताकि घर वालों से मैं बातचीत कर लूं। मतलब बात पकड़ में आ गई है। भैया वो क्या है कि बता क्या मैं लड़की का नाम तक नहीं जानता। बहुत खूब, आप इश्क की दुनिया में बहुत तरक्की करेंगे। थैंक यू भैया। वो क्या है कि जब मैं शिमला में पढ़ाई कर रहा था ना भैया तो मेरी मुलाकात वहीं हो गई थी। और क्या सूरत थी भैया, उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। अब बताओ भैया आंधी तूफान की तरह भागते भागते वो सीधा आकर मुझसे टकरा गई और मेरे भाव में आ गई। नजारा था उसने अपने चेहरे से अपने जुल्म हटाए, मैं उसे देख रहा था। ये बड़ी बड़ी आंखें भैया, मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी, मैं मुस्कुराया। इस कॉलेज में किसी भी लड़की को बाहों में लेने का हक सिर्फ हमारा है। किसी भी लड़की को? हाँ किसी भी लड़की को। किसी भी लड़की को? हाँ बोला ना किसी भी लड़की को। अपनी बहन को भी? ए फालतू बोला। तुझे मैं देख लूंगा। अबे चल। अरे आपको तो बहुत नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत ज्यादा। अरे कुछ नहीं, एक छोटा मामूली सा खराश है। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही है? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आप चलिए। हाँ अब जाइए।
नानक तुन तारा रा मुझे यारा तेरे प्यार ने मारा के गुलाब तेरी आंखों के कमल हो होठों के गुलाब तेरी आंखों के कमल मीठी मीठी दिल में मचाए हलचल लगे सपना कोई प्यारा मुझे यारा तेरे प्यार ने मारा ये शिमला नहीं है हाँ। और एक बात बताऊं उस लड़की को भूल जा वो तुझे मिलने वाली नहीं है अरे भैया वो मिलेगी और जरूर मिलेगी क्योंकि अगर मेरी चाहत सच्ची है तो कच्चा धागा ना वो उसे खींची चली आएगी हाँ गया काम से सर हियर इज द फ्लॉपी हमको 5 साल लग गया फॉर्मूला तैयार करने में वाह चैंग यू आर वंडरफुल तुम जा सकते हो ओके ओके तुम्हारा इनाम मिल जाएगा तुम्हें मार्शल ये क्या किया अपने इतने वफादार साइंटिस्ट को मार दिया दीनानाथ सारी दुनिया में तबाही मचाने वाला फॉर्मूला कंप्यूटर के जरिए इस फ्लॉपी में इसी साइंटिस्ट ने भरा था तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी का काम खत्म हो जाता है तो उसके दिन भी पूरे हो जाते हैं तो फिर मेरे दिन का पूरे हो रहे हैं come on, don't be silly. दीनानाथ, तुम्हारा मेरा रिलेशन तो कुछ और ही है भला मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है तुम ही ने तो मुझे पुलिस की फायरिंग से बचाया था और मैं भी ये कैसे भूल सकता हूँ कि तुमने हिंदुस्तान में मेरी उस वक्त जान बचाई थी जब मेरे अपने दोस्त मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे पुरानी बातें भूल जाओ दीनानाथ सुनो तुम जानते हो सिर्फ हिंदुस्तान से मैं इस फ्लॉपी का कम से कम 20 करोड़ रुपया धनराज और चक्रराज से हासिल करूंगा मार्शल मैं चाहता हूँ कि फ्लॉपी ले जाकर 20 करोड़ रुपए धनराज और जगराज से मैं वसूल करूँ तुम But why? इसलिए मार्शल कि वो
बहुत खतरनाक मक्कार और 420 किस्म के लोग हैं, और वैसे भी उन लोगों ने आज तक तुम्हें कभी देखा नहीं है। मैं मार्शल का रूप धारण करके वहां जाऊंगा, मुझे उन लोगों से बहुत सारे हिसाब भी वसूल करने हैं। तो ठीक है दोस्त, मुझे कोई इतराज नहीं है, तुम जाकर अपना हिसाब भी चुकता कर लेना और साथ में इस फ्लॉपी का 20 करोड़ रुपए भी हासिल कर लेना। लेकिन दीनानाथ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हिफाजत के लिए साथ में यूसुफ को भी लेते जाओ। मार्शल, तुम हिंदुस्तान आए, हमें इस बात की खुशी है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे कारोबार का दबदबा देखकर तुम्हें और भी ज्यादा खुशी होगी। मुझे तुम्हारे कारोबार से कोई लगाव नहीं है। मैं फ्लॉपी लेकर खुद यहाँ इसलिए आया हूँ कि 20 करोड़ रुपए सही तरीके से वसूल करूँ और मेरे साथ कोई धोखा या चीटिंग बिल्कुल न हो। कैसी बात करते हैं मार्शल, हम बरसों से इस धंधे में हैं और हमारी जबान का बहुत वजन है यहाँ। धनो, नियत बदलते देर नहीं लगती। बरसों की पुरानी दोस्ती पर बेईमानी की काली चादर डालकर भाई जैसे दोस्त को और उसके घर को तबाह करते मैंने लोगों को अक्सर देखा है। तुम कहना क्या चाहते मार्शल? सुनो पहले, बात इतना समझ लो कि जिनके साथ कारोबार या बिजनेस करता हूँ उनके भूत भविष्य और वर्तमान की पूरी खबर रखता हूँ। मैं जाता हूँ होटल, आराम करूंगा, आप 20 करोड़ ले आइए और अपनी फ्लॉपी ले जाइए। ओके, बाय। जगराज, ये हमारे असली नाम कैसे जानता है? भाई मेरी समझ में नहीं आया, दाल में जरूर कुछ काला है। अब तो ये होटल जाकर ही पता चलेगा। लगता है नारा है, जब तक फ्लॉपी ना मिले गुरी में चलाना। ये दीनानाथ उसकी फैमिली की फोटो मार्शल के बैग में, कहीं ये दीनानाथ ही मार्शल तो नहीं? जिस तरह एयरपोर्ट पर उसने हमारा कच्चा चिट्ठा खोला था उससे तो यही लगता है कि दीनानाथ ही मार्शल है। तू 20 साल पहले तू बच गया था, तू अब भी बच सकता है। ला फ्लॉपी हमारे हवाले कर दे। अपनी प्यारी इकलौती बच्ची के खो जाने का गम तूने इतनी जल्दी भुला दिया धनराज? ये बात तुम कैसे जानते हो? याद कर, बरसों पहले ये बदले की कहानी उस दिन शुरू हुई जिस दिन हम तीनों चोरी के पैसों से भरा ब्रीफकेस लेकर घर पर आए। लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद मेरे बच्चों ने मेरी आंखें खोल दी। राधा, अब तो राखी बांध दो, देख मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ। कंगन है सोने के? हाँ? असली सोने के हैं। कहाँ से लाए? कहाँ से लाया ये? शर्म नहीं आती तुझे चोरी करते हुए? शर्म तो आपको आनी चाहिए पापा। आज अगर अजय ने चोरी की है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। आज आप दुनिया वालों से, पुलिस वालों से मुंह छुपाए फिरते रहते हैं, कल ये भी ऐसा ही करेंगे, ये भी चोर बनेंगे बिल्कुल आपकी तरह। बस बेटा, बस, बस। नहीं करूंगा चोरी, आज से चोरी बंद। तेरी कसम बेटी, तुम्हारी कसम, आज से चोरी नहीं करूंगा। मेरी प्यारी बेटी की मासूम आंखों की नफरत ने मेरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगर कोई मेरे पाप धो सकता है तो प्यार के ये बंधन। ये रिश्ता
साथ निभाना ये रिश्ता जो टूटेगा पास कभी भी छूटेगा की नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो दीनानाथ। लाओ हमें हमारा बैग वापस लौटा दो। ये धमकियां उनको देना जिनके बटे और अंगूठियां हम चुराया करते थे। ये बैग ना तुम्हारा है ना मेरा है, ये पुलिस के पास जाएगा। बेटी ये बैग उठाकर छुप जा। अजय अमर तुम लोग जाओ पुलिस के पास। उस जुल्म की आग में मेरी बेटी राधा जलकर राख हो गई। तुम मकारों का कहर टूट पड़ा। तुम लोगों ने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की, मुझे खाई में फेंक कर चले गए, लेकिन मैं बच गया। बेटी की मौत और बच्चों की जुदाई ने मुझे पागल बना दिया। मेरे अंदर इंतकाम की आग जल उठी और मैंने तुम्हारी बेटी का अपहरण कर लिया। कभी ने मुझे मेरी बेटी वापस लौटा दे, मुझे मेरी बेटी वापस लौटा दे। वापस लौटा दूं? अच्छा, मैं तो मेरी तीन तीन औलादों की जुदाई का गम सहकर भी आज तक जिंदा हूं, और तू एक बेटी की जुदाई के गम में तड़प उठा है। और ये किसको दिखा रहा है? नीचे कर इसको और निकल यहां से। चल आउट, चलो गेट आउट। हाय किरण, कहाँ जा रही हो? आओ ना, मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर, मैं चली जाऊंगी। जान बात सुनो, किरण क्यों पैदल चलकर अपनी खूबसूरत पिंडलियों को तकलीफ देती हो? देखो ना ये गाड़ी और बंगला किसके लिए है? तुम्हारे लिए तो है। मेरे रास्ते से हटिए। जान मेरी, मैं खूबसूरत लड़कियों को नौकरी सिर्फ इसलिए देता हूँ कि कुछ दिन तो उन्हें दाना डालकर फिर अपना बना सकूं। जा मेरी जान, मेरी मुझे। तूने मुझे मारा, मुझे मारा। तो मुझे चूना लगाकर चला गया था, लेकिन आज आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। आइए आपको घर छोड़ देता हूं।
घबराइए मत, कभी कभी ऐसा होता है इंसान किसी को गलत समझ बैठता है, लेकिन अक्सर वो बात सही नहीं निकलती। ये सही और गलत का फैसला करना इतना आसान नहीं है, रास्ता सुनसान है। चलिए आपको घर छोड़ देता हूं। अरे फिक्र मत कीजिए, ऐसे किस्म के लोगों के लिए मेरा रूप कुछ और है और आप लोगों के लिए कुछ और। चलिए। आइए ना, एक कप चाय पीकर जाइए। दिल तो कहता है कि पी लूं, लेकिन दिमाग कहता है कि आज नहीं फिर कभी। दूसरी बार आने के लिए बहाना तो चाहिए। चलिए बहुत रात हो गई, फिर मिलेंगे। थैंक यू। अंकल, हम लोग दीनानाथ के पीछे पीछे यहाँ एयरपोर्ट क्यों चले आए? बेटे, दीनानाथ की जो बेटी आज शिमला से आ रही है वो दरअसल उसकी नहीं, मेरी बेटी है। लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे उसको? जिस लड़की से दीनानाथ मिलेगा वो ही मेरी बेटी होगी। धनराज, क्यों ना इस खुशी के मौके पर हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? यानी मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करना चाहूंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो मिलाओ हाथ। जगराज, वो रही मेरी बेटी, प्रेम बेटे। ले कुछ मत करना, खून दिए जाओगे। कौन तुम? अरे क्या करो, छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? प्लीज छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। अरे आशा, तुम? हाय अमर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम जा कर रहे हो? कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ अमर, ये मेरे प्यारे अंकल हैं। और अंकल, ये है अमर, हम दोनों शिमला में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हेलो। हेलो। आज हम लोग जरा जल्दी में हैं, फिर कभी वक्त मिले तो घर पे आ जाना। जी अच्छा। बाय अमर। बाय। अंकल, वो लोग कौन थे और आपने छुपने को क्यों कहा? वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम पहले घर तो चलो। सेट। कौन है ये? मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? लगता है दीनानाथ ने इसकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की है कि ये बचपन की सारी बातें भूल गई है। अंकल, आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे, कराएंगे ना प्लीज? मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बच्चा भी है। डैड? क्या? मैं नाना बन चुका हूँ बेटी। हाँ? कहाँ है मेरा नवासा? हेलो। वो लड़की सही कह रही है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी बेटी इस वक्त मेरे पास है और मेरे लिए चाय बना रही है। दीनानाथ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा भयानक अंजाम करूंगा जो तुम सपने में भी सोच नहीं सकोगे। मेरा अंजाम जितना भयानक होना था वो हो चुका, अब बाजी मेरे हाथ में है। हेलो, हेलो। क्या हुआ? लड़की, तुम जा सकती हो। लेकिन डैड। अरे बेटी को कहाँ भेज रहे हो? नहीं जगराज, ये लड़की मेरी बेटी नहीं है,
मेरी बेटी दीनानाथ के पास कैद है। मुझे धनराज या जगराज से बात करना है। मैं धनराज बोल रहा हूँ। मैं मार्शल का बॉडीगार्ड बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। फॉर्मूले की जिस फ्लॉपी को मार्शल आपको 20 करोड़ में बेचना चाहता है, अब वो मेरे हाथ लग चुकी है और आपको मैं 1 करोड़ में दे सकता हूँ। वो फ्लॉपी बोगस भी तो हो सकती है। कल के मामूली धन्नू और जग्गू जो आज के धनराज और जगराज बन बैठे हैं, उनको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। मुलाकात कब और कहाँ होगी? होटल स्काईलार्क के बेसमेंट में आज रात ठीक 10 बजे। से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ धनराज और जगराज का पता चाहिए। कौन हो तुम लोग? इस वक्त सवाल हम करेंगे, दूसरे जवाब देगा। बताओ दोनों कहाँ हैं? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? क्या कि इस होटल के रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा तो खाना खाने आ गए थे। क्या मैं बिल देख सकता हूँ? वाह, यहाँ पहुँचते ही हमें ऐसा लगा कि हमें ज्यादा भूख नहीं है, तो बिना खाए हम वहाँ पे चले जा रहे थे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जब भी मेरी और आपकी मुलाकात होती है, किसी ना किसी हादसे के बाद ही होती है। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है? इत्तेफाक एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, मुझे कुछ सवाल करने हैं। एसीपी साहब, मैं आपको बता दूं कि मैं छोटा सा लॉयर हूं और जहां तक मैं जानता हूं, बिना सबूत या वारंट के आप अगर हमें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तो हम आपके ऊपर मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। जिस कानून की किताब को आपने पढ़ा है उसमें यह भी लिखा है कि कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले जिस दिन कानून की जद में आते हैं ना, तो उनकी पूरी जिंदगी जेल के अंधेरों में भटकती रहती है। तब तक आप सपना देखते रहिए। सपना? मुझसे गद्दारी करने वाले का इससे बेहतर अंजाम नहीं हो सकता। बता बता, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा तुमने उसे? औलाद की जुदाई में जो जख्म तूने मुझे दिया है, उसके मुकाबले में तेरी मामूली सी तड़प कुछ भी नहीं है। तू भी औलाद के जख्म में जब तक पागल नहीं हो जाता, मुझे यहाँ सुकून नहीं मिलने वाला। दिन रात कितनी कीमत चाहिए तुझे मुझे मेरी बेटी वापस लौटाने की? तुम नहीं बदले धनराज, बिल्कुल नहीं बदले। यही वजह है कि 20 करोड़ की फ्लॉपी तुम 1 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रहे थे। उसका अंजाम क्या हुआ? न धोबी रहा, न घाट रहा, और कुत्ता बीच में लटकता रहा। खैर, तुम्हारे 1 करोड़ मेरे पास पहुंच चुके हैं, मगर उस फ्लॉपी की कीमत 20 करोड़ है। बाकी के 19 करोड़ एक हफ्ते मुझे मिल जाने चाहिए, वरना अंजाम कितना भयानक हो सकता है सोच लो। नादान बेवकूफ, धनराज जैसे पहाड़ को चैलेंज कर। उम्र गुजर गई तुम्हारी, मगर तुम्हारे कूड़ मगज में एक कौड़ी की भी अकल नहीं आई। ये भूल जाओ कि दीनानाथ क्या बोल कर गया है, ये देखो कि तुम्हें क्या करना है। फ्लॉपी प्रताप सिन्हा के पास है, कुछ भी करो, मुझे किसी भी कीमत पर वो फ्लॉपी चाहिए। ये
मामा, अगर इसने फ्लॉपी का कोड हासिल कर लिया तो हमारा करोड़ का नुकसान हो जाएगा। राधा जी आई। राधा जी, चाय लूं आपके लिए? नहीं, खाना कमरे में लगा दो, मैं अभी आता हूं। ठीक है। हेलो। हाँ यस सर। हाँ सर, मैंने फ्लॉपी देखी लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है किसी फॉरेन एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। हाँ यस सर। ओके सर। मामा जहाज लग गया। राधा, मैं एक घंटे में आता हूँ। जल्दी करो, जिंदगी मौत का सवाल है, करोड़ों का मामला है। कौन से करोड़ों की बात कर रहे हैं आप मामा जी? मामा भाग। खबरदार, इतनी रात गई इस घर में चोरों की तरह घुसाने का मतलब? चोर होगी तू, तेरा बाप और तेरे भाई। अरे कलमुही, मेरे भाई को चोर कहती है, तू तो खुद चोर की बेटी है। माँ जी आप मेरे यकीन कीजिए, इनकी नीयत में खोट है। आखिर आप इन्हें कब समझेंगी? बहन, मेरी सारी जिंदगी इस छत के नीचे गुजर गई, आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर इस घर से मेरा नाता खत्म करना चाहती है बहन। ये झूठ है माँ जी। क्या बताएंगे मामा जी, प्रेम इतनी रात गए इस घर में क्या कर रहे हैं आपके साथ? ये घर मेरे डैडी का बनाया हुआ है, अपनी औकात में रहकर बात करना सीखो। मैं अपनी औकात में ही हूँ, इसीलिए तो इन लोगों को धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला मैंने। समझी तुम मां? धक्के मार के निकालने की जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ पे प्यार बांटने आया था, लेकिन लगता है इस घर में मुझे सिवाय बेइज्जती की और कुछ नहीं मिलेगा। चलो मामा, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। चलो बेटा, भैया, बहू, तुझे तो बहू कहना भी पाप है, तू तो एक नागिन है जो इस घर की खुशियों को दस रही है। माँ जी, आपकी आंखों पर गलतफहमी का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन एक दिन ये पर्दा जरूर उठेगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा सच कहती थी। नागिन हमेशा जहर उगलती है, सच नहीं। चल बेटी। समझ नहीं आता मामा, उस फ्लॉपी तक कैसे पहुंचा जाए? हेलो। हेलो प्रेम, मैं उमा बोल रही हूँ। हाँ उमा। आई एम सॉरी डार्लिंग, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। उमा, मैंने तुम्हारी भाभी की बदतमीजी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर ली कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं भी तुम्हें इतना करती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारा सतेला भाई तुम्हें कुछ नहीं करने देगा, क्योंकि वो तुम्हारा भला चाहता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो प्रेम? हाँ उमा, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, एक बिजनेस डील में उसने मेरी एक फ्लॉपी जब्त कर ली जो उसके लिए बेकार है, लेकिन उसके बगैर मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वो रुपया भी तो तुम्हारा ही है जान। अगर वो फ्लॉपी घर में है तो मैं वादा करती हूँ वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी। सच उमा, तुम कितनी अच्छी हो। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू, बाय बाय। मामा समझो फ्लॉपी अपनी हो गई। आशा यहाँ? तुम? हाय, लिसन टू मी। तुम? ये शिमला नहीं है, ये हमारा शहर है और यहाँ हर काम हमारी मर्जी से होता है, समझे? कम ऑन डांस, कम ऑन, कम ऑन डांस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन डांस। ये दैट्स इट, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अबे सोच, इन्हें तो मैंने बचा लिया, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा रे? Ah!
देखिए बार बार आपको छेड़ता रहेगा और मैं बार बार आपको बचाता रहूंगा, तो क्यों ना साथ रहने का प्लान बना ले। हाँ? मेरा मतलब है कि हमेशा के लिए।
वो देखो, मैं आता हूँ। भैया नमस्ते। तू इधर क्या कर रहा है? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो इनकी तारीफ। यो ये हाँ। ये किरण, किरण। अच्छा एक मिनट भैया, मैं इनका नाम नहीं रिश्ता पूछ रहा हूँ। रिश्ता? हाँ। तुझे याद है एक दिन मेरे तकिए के नीचे से एक तस्वीर मिली थी और तूने मुझसे पूछा था भैया ये कौन है, और मैंने तुझे बताया था ये मुझे शिमला में मिली थी। भैया जहाँ तक मुझे याद है वो तकिया मेरा था और वो तस्वीर इनकी नहीं किसी और की थी। और रही बात शिमला की, आप तो कभी शिमला गए ही नहीं। हाँ, मैं तो कभी शिमला गया ही। वही तो मैं कह रहा हूँ। पता नहीं मेरी याददाश्त क्यों कमजोर होती चली जा रही है। आपकी याददाश्त मैं अभी ठीक करता हूँ, एक मिनट। देखिए मैं इनका छोटा भाई हूँ। नमस्ते। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आप इनकी जिंदगी से चले जाइए। जी। आपको नहीं पता कि आपकी वजह से इनकी बीवी बच्चों पर क्या बीत रही है। अबे ये क्या बकवास कर रहा है? किरण ये सब बकवास कर रहा है, मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। और सुनो किरण, मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सब मजाक कर रहा है। मजाक? हाँ भाभी मजाक। वो क्या है कि हमारे भैया आपका परिचय करवाने से शर्मा रहे थे तो हमने एक छोटा सा मजाक कर लिया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं। चलिए शुक्र है कि स्टेशन पर इतनी देर से खड़े हुए इंजन ने प्लेटफॉर्म तो छोड़ा, अब ये डिब्बा भी ऐसे ऐसे चल पड़ेगा। ए, तुम मजाक नहीं छोड़ा भैया? वो तकिया, वो तस्वीर शिमला, हाँ। मैं भी मिलवा दूं। हाँ? हाँ? सुनिए आइए। नमस्ते। ए, बस, बस बस बस। देखो भाई हमें तो लड़की बहुत पसंद आई है। बस सिर्फ इतना ख्याल रखना कि हम दोनों टकरा ना जाएं। That's it. Now beautiful, little bend down. Ha, that's it. Beautiful. Ha, very good. Smile. Yes, that's fine. Yeah, देखो, यहाँ देखो. ये बात हुई. Yes. Mind blowing. वाह 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 वाह. अब तो मैं इस वर्ल्ड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. अरे भांजी प्रेम के हाथों में तो वो जादू है कि जिसकी तस्वीर लेता है वो मॉडलिंग की दुनिया में टॉप पर पहुंच जाती है। लेकिन तुम्हें टॉप पे पहुंचने के लिए ये प्रेम, you're very naughty. भांजी मिस यूनिवर्स बनने के बाद इस गरीब मामा को मत भूल जाना। मामा आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? अरे हाँ प्रेम, तुमने जो फ्लॉपी लाने को कहा था ना वो मैं लेके आई हूँ। कहाँ है? अब मेरे पास बैग में। ज़्यादा अब समझ में आया कि हराम ज़्यादा मेरी बहन के साथ शादी क्यों करना चाहता था। उमा तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतनी गंदी तस्वीरें निकलवाते हुए। इसमें शर्म की क्या बात है? वो तस्वीरें कोई और नहीं मेरा मंगेतर खींच रहा था। खबरदार, अगर उसे अपना मंगेतर कहा ये तो अच्छा हुआ कि राधा ने मुझे फोन करके यहाँ पर बुला लिया, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता था। और तुम्हें मामा नहीं कंस मामा कहना चाहिए। अपनी ही भांजी की गंदी तस्वीरें खिंचवाने से पहले तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। आइंदा अगर तुम मुझे मेरे घर में नजर आए तो ये टांगे तोड़कर गले में लटका दूंगा। नाउ गेट आउट। Get out from here!
चाहती है। इस गंदे इंसान की हवस ने मेरी मर्यादा, मेरा सब कुछ लूट लिया है। एक औरत को औरत नहीं रहने दिया इसने। इसने मेरी पवित्रता को भ्रष्ट किया है। भ्रष्ट ये पापी है आप नहीं। सीता जी को रावण ने हरण किया था, लेकिन लोगों ने सीता जी को मैया कहना नहीं छोड़ा, बल्कि रावण को राक्षस कहा। द्रौपदी जी का वस्त्र हरण कौरव ने किया था, लेकिन द्रौपदी जी की मर्यादा कम नहीं हुई, बल्कि लोगों ने कौरवों का बहिष्कार किया। जान देकर इन लोगों के हौसलों को मत बढ़ावा दो बहन। मेरी भी एक बहन थी, आज वह जिंदा होती तो आप ही की तरह होती। आज अगर आपकी जगह वो होती तो मैं उसे भी यही कहता। आप धीरज छोड़ देंगी तो समाज के नासूर पनपते रहेंगे। आप घर जाइए, मैं इसे पुलिस के हवाले करके आता हूँ। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए आप। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें इस हादसे के बारे में पता चल गया तो वो इसे जान से मार डालेंगे और खुद को भी खत्म कर लेंगे। कम से कम मेरे ना रहने से उन्हें इस हादसे के बारे में पता तो नहीं चलेगा। ये भी तो हो सकता है, आपके ना रहने के गम से आपके पति मर जाए। मैंने आपको बहन माना है, जब तक मैं जिंदा हूं आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इस हादसे का पता किसी को नहीं चलेगा। ये एक भाई का अपनी बहन से वादा है। कैसे हुआ? प्रेम बेटी की ऐसी हालत किसने की? अजय सक्सेना ने। ये रहा उसका पर्स, ये कागजात और ये कार्ड। तुमने बहुत अच्छा किया जगराज, जो इस ड्राइवर को प्रेम के कपड़े पहना दिए। अब कानून अजय सक्सेना को ही प्रेम का कातिल समझेगा। Thank you.
इस तरह बगैर इजाजत के पुलिस फोर्स के साथ किसी शरीफ आदमी के घर में आने की वजह पूछ सकता हूँ एसीपी साहब? पुलिस किसी शरीफ आदमी के घर में दो ही वजह से आती है, या तो उसे कोई बुरी खबर सुनाने, या उसके चेहरे से शराफत का नकाब उतारने। यही तो आपका डिपार्टमेंट मार खा गया। आप लोग शरीफों का अपना दुश्मन समझते हैं और बदमाशों का अपना दोस्त। एनीवे, यहाँ आने की वजह? कल तुम सुंदर घाटी की पहाड़ी पे गए थे। एसीपी साहब, आप शायद भूल गए हैं कि यह देश आजाद हो चुका है, और एक आजाद हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे सुंदर घाटी तो क्या, हिमालय पर्वत पर भी जाने की आजादी है। और उसके साथ कत्ल करने की भी आजादी मिली है तुमको। कत्ल? किसका कत्ल? प्रेम कुमार का। एसीपी साहब, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं उस हरामजादे को जरूर जान से मार डालता, क्योंकि उसने एक मासूम औरत की इज्जत लूटी थी, और उस वक्त मुझे उस औरत की जान बचानी थी, इसलिए साला वो कुत्ता मेरे हाथों से बच गया। बचा नहीं, मर गया। यह है वो पर्स जो मुझे लाश के पास से मिला। मैं तुम्हें प्रेम कुमार के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। एसीपी साहब, आप मेरे भाई को किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब अदालत देगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इनकी बाकी की जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। तो ये सोचना है कि जब तक अजय को फांसी नहीं हो जाती, हमें प्रेम को पुलिस से छुपा कर रखना पड़ेगा। मामा बिल्कुल ठीक है ना जगराज, वो मेयर के हथियार छुपाने वाली जगह ठीक रहेगी। लेकिन एक बात हम सब भूल रहे हैं, हमने दीनानाथ को 19 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। वो वादा आज का था और वो आता ही होगा। काहे का वादा बेटे, उसे आने दो। उसे एक रुपया तो क्या, मैं उसे गोली मार दूंगा। लो, मैं आ गया। चलाओ गोली, चलाओ। मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आया तो था अपने पैसे वसूल करने के लिए, लेकिन लगता है तुम लोगों की नीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही चला जाता हूं, लेकिन एक बात कह के जाता हूं कि मेरे यहां से बाहर जाते ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। मेरे जाने के बाद अपनी मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर देना। नहीं जगराज, इसे जाने दो। एक बार मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए, फिर देख लूंगा इसे। भैया, तुम्हें इस लड़की का नाम बताना होगा जिसे बचाते हुए प्रेम कुमार की मौत हुई। अगर मैंने उस लड़की का नाम बता दिया तो सारी दुनिया के सामने वो रुस्वा हो जाएगी। क्या उस लड़की का नाम आपको मुझसे ज्यादा प्यारा है? ठीक है भैया, अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी जिद्दी हूं। मैं देखता हूं ये कानून आपको कैसे सजा देती है। मैं आपको इन सलाखों के पीछे अब ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगा। अमर भाई ने उस लड़की का नाम लेने से इनकार कर दिया है। अब अगर वो लड़की अदालत में आकर ये बयान नहीं देती कि उसकी इज्जत बचाते वक्त भाई ने प्रेम कुमार की पिटाई की, तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब क्या होगा अमर? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भाई उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर खेल सकते हैं, और मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। आशा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? अमर, तुम मेरे जिस्म में सांस की तरह हो। मैं जानता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को बचाने के लिए तुम कुछ पल के लिए वो लड़की बन जाओ जिसकी इज्जत मेरे भाई ने बचाई थी। ये क्या कह रहे हो अमर? मैं समाज में बदनाम हो जाऊंगी। एक तरफ समाज की बदनामी है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे प्यार की जीत। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे मेरे प्यार की जीत चाहिए। मैं कल अदालत में वो मजलूम लड़की बनकर अपना बयान दूंगी। योर ऑनर, मिस्टर अजय सक्सेना बहुत ही शातिर और चालाक इंसान है। इसने पहले भी बहुत से जुर्म किए, लेकिन सबूत ना होने की वजह से
पुलिस और कानून की नजरों से हमेशा बचता रहा ये। लेकिन आज यू ऑनर, मैंने इसे सबूत के साथ मिस्टर प्रेम कुमार के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है। ये झूठ है योर ऑनर। मैंने प्रेम कुमार को सिर्फ मारा था, उसका कत्ल नहीं किया है। और मैंने इसलिए उसे मारा था कि उसने एक मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था। अगर मुझे उस लड़की को आत्महत्या करने से बचाना नहीं होता तो मैं प्रेम कुमार को जरूर जमीन पे जिंदा गाड़ देता। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, जिंदा जमीन में गाड़ देते। मिस्टर अजय सक्सेना, वो लड़की कौन थी, उसका नाम क्या था? वकील साहब, सरकार मुझे चाहे फांसी की सजा क्यों ना दे दे, लेकिन उस लड़की का नाम बताकर मैं सारी दुनिया के सामने उसे बदनाम नहीं होने दूंगा। योर ऑनर, ना तो किसी लड़की की इज्जत लूटी गई और ना ही किसी लड़की की जान बचाई गई। ये अंडरवर्ल्ड की आपस की लड़ाई है जिसमें किसी मकसद के तहत मिस्टर अजय सक्सेना ने प्रेम कुमार को रास्ते से हटा दिया। योर ऑनर, एसीपी साहब ने जो डिग्री हासिल की है इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, इससे उनको ये गलत फहमी हो गई है कि वो जब जिसको भी चाहे अपनी मर्जी से अंदर बाहर सही गलत साबित कर सकते हैं या गलत सबूत पैदा कर सकते हैं। लेकिन मैं उनको ये याद दिला दूं कि यहां इस अदालत में इनकी मर्जी नहीं, ठोस सबूत की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं है। सिर्फ एक पर्स मिल जाने से बात साबित नहीं होती कि मेरे भाई ने कत्ल किया है। क्या ये कत्ल करते हुए किसी ने मेरे भाई को देखा है? जी नहीं। योर ऑनर, ये पर्स जो मिस्टर प्रेम कुमार की लाश के पास से मिला था, अगर डिफेंस काउंसिल इसे सबूत नहीं मानती तो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि उस लड़की को अदालत में पेश किया जाए जिसकी इज्जत मिस्टर अजय सक्सेना ने बचाई थी। प्लीज उस लड़की को हाजिर किया जाए। मिस आशा वर्मा हाजिर हो। योर ऑनर, लड़की हो तो आएगी ना, इसलिए केस साफ है। मेरी अदालत से गुजारिश है। ठहरिए। भाभी। जज साहब, मैं हूँ आशा वर्मा। हाँ हाँ, तो मिस आशा वर्मा, क्या यही वो इंसान है जिन्होंने आपकी इज्जत बचाई थी? जी हाँ, यही वो देवता है जिन्होंने मुझे आत्महत्या करने से रोका। योर ऑनर, औरत का सबसे कीमती गहना उसकी आबरू होती है। प्रेम कुमार ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला और इसी बात पर अजय साहब ने उससे मारपीट की, लेकिन उसकी जान नहीं ली। प्रेम कुमार मेरे सामने जिंदा था। योर विटनेस। योर ऑनर, मैं अदालत में एक नया गवाह पेश करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कि उस गवाह को यहां पर पेश करूं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मिस आशा वर्मा को कुछ देर के लिए अदालत के दूसरे कमरे में भेज दिया जाए। इजाजत है। ओह नो। आपका नाम? आशा वर्मा। क्या आप मिस्टर अजय सक्सेना को पहचानती हैं? जी हाँ जज साहब, यही वो देवता हैं जिन्होंने मुझे आत्महत्या करने से रोका। मर गए। औरत का सबसे कीमती गहना उसकी आबरू होती है जज साहब। प्रेम कुमार ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला इसी बात पर। वाह, क्या बात है योर ऑनर, क्या नाटक है। एक ही नाम की दो लड़कियां हर बार वही कहानी सुना रही हैं। इससे यह जाहिर होता है कि मिस्टर अजय सक्सेना ने प्रेम कुमार का कत्ल किया है। That's all your honor. Thank you. Your honor, मैं इस अदालत को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि इस केस में एक भी ठोस सबूत या चश्मदीद गवाह पेश नहीं किया गया जिसने अजय सक्सेना को प्रेम कुमार का कत्ल करते हुए देखा है। क्योंकि ये केस शक की बुनियाद पर रखा गया है, इसलिए योर ऑनर, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत मुझे दो दिन की और मोहलत दी जाए। प्लीज योर ऑनर। डिफेंस काउंसिल ने जो झूठा ड्रामा इस कोर्ट में पेश किया, उस बदतमीजी की वजह से उनको बार काउंसिल से डिबार भी किया जा सकता है। क्योंकि मुकदमा कत्ल का है, इसलिए यह अदालत मुलजिम अजय सक्सेना को अपने बचाव का पूरा मौका देते हुए अदालत दो दिन के लिए मुलतवी की जाती है।
बचपना किया तुमने, सरासर बचपना। अदालत के साथ जो तुमने हिमाकत की है उसका नतीजा देख लिया। एक अच्छे खासे आदमी को फंसा दिया तुमने, और तुम्हें क्या जरूरत थी आशा बनकर झूठी गवाही देने की? तो मैं क्या करती? मैं जब वहां पहुंची तो देखा। चलना तो आपको इसी बात पड़ेगा मिस आशा वर्मा, वरना मजबूरन मुझे आपको हथकड़ी बनानी पड़ेगी। ये कैसी जबरदस्ती ऑफिसर, मैं आपके साथ नहीं चल सकती इस वक्त। आप प्लीज आइए, प्लीज, मैं मजबूर हूँ, आइए आइए। फिर उसके बाद अपने प्यार को बचाने के लिए मेरे पास वही एक रास्ता था। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ करने से पहले इसको खबर तो कर देनी चाहिए थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे इन्फॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। ये सब तो ठीक है, मगर अब सवाल ये बनता है कि मैं अपने भाई को प्रेम कुमार के कत्ल के इल्जाम से बेगुनाह कैसे साबित करूं? प्रेम कुमार? हाँ, प्रेम कुमार तो जिंदा है। क्या प्रेम कुमार जिंदा है? यस सर, अगर प्रेम कुमार जिंदा है और मैंने उसे अदालत में पेश कर दिया तो मेरा भाई बाइज्जत बरी हो जाएगा। ये समझ लो कि तुम्हारा भाई बेगुनाह बरी हो गया। प्रेम की आजादी हम सबकी मौत है मेयर। मैं तुम्हारे भरोसे प्रेम को यहां छोड़कर जा रहा हूं, मगर याद रहे कोई भी अजनबी, कोई भी पुलिस वाला यहां ना आने पाए। रुक क्यों गए? क्या सोच रहे हो? यही है वो दोनों आशा जो हमारी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मैंने नहीं छोड़ूंगा। अपने ऊपर काबू रखो। सबसे पहले हमें प्रेम को यहाँ से ले जाकर भैया को रिहा करवाना है, फिर इनके बारे में सोचेंगे। चलो। अरे ओ मिस्टर, ये क्या खुसर खुसर कर रहे हो? नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो तो बस यूं ही हम। यूं ही ना क्या, अभी तक नाच गाना शुरू क्यों नहीं किया? अरे ऐसा नाच गाना करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। नाचने चले, उधर देखो यार। नहीं, वो नहीं हो सकता। मेयर, ये लोग कौन है? अरे यार, यूं ही नाचने गाने वाले, थोड़ी बहुत मौज मस्ती, हम समझा करो यार। सर के सारे बाल उड़ गए, लेकिन अभी तुम हरामी पने से बाज नहीं आते। अरे तुम लोगों की सोबत का असर है यार। चलो भाई धनराज, अपनी मीटिंग का वक्त हो गया। चलिए मैं आप लोगों को छोड़ाता हूँ, चलिए। ऑल द बेस्ट। अरे क्या हो रहा है? कभी होगा ना पुराना, तेरा गोरा गोरा रंग है कमाल, ओ तेरा क्या कहना। डिंग डांग डिंग डांग डिंग मत वाला, तेरे पीछे पीछे दिल आया मधुबाला। टिंग टांग टिंग टांग टिंग मत वाला, तेरे पीछे पीछे दिल आया मधुबाला। आँखों से नशा छलकाती है, तू मेरे होश उड़ाती है। लारी लपा लारी लपा, लारी लपा लारी लपा लारी लपा। आँखों से नशा छलकाती है, तू मेरे होश उड़ाती है। सोने जैसा अंग तेरा, रूप है माला माल, हो तेरा क्या कहना। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, मेरा गोरा गोरा रंग है कमाल, हो तेरा क्या कहना। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, तेरा गोरा गोरा रंग है कमाल, हो तेरा क्या कहना।
डंग डिंग डंग डिंग मतवाला तेरे पीछे पीछे दिल आया मधुबाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग मतवाला तेरे पीछे पीछे दिल आया मधुबाला तू मस्त घटा मैं नील गगन तू खुशबू है मैं शोक पवन लारे लपा लारे लपा लारे लपा लारे लपा लारे लपा तू मस्त घटा मैं नील गगन तू खुशबू है मैं शोक पवन चांद से चेहरे पे सुल्फों का पहरा है तू शायर का ख्याल ओ तेरा क्या कहना गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना मेरा गोरा गोरा रंग है कमाल ओ तेरा क्या कहना गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना तेरा गोरा गोरा रंग है कमाल ओ तेरा क्या कहना ओ तेरा क्या कहना ओ तेरा क्या कहना योर ऑनर ये अदालत पिछले डेढ़ घंटे से डिफेंस काउंसिल का इंतजार कर रही है मगर वो आए नहीं और ना ही आएंगे इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना फैसला सुना दे ठहरिए एक मिनट ठहरिए चल ये सब क्या हो रहा है डिफेंस काउंसिल कौन है ये आदमी योर ऑनर यही है वो प्रेम कुमार जिसके खून के इल्जाम में मेरा भाई आज इस कनखरे में खड़ा है एसीपी सिन्हा क्या ये वही आदमी है मैं खुद हैरत में हूं कि ये जिंदा है इंस्पेक्टर योर ऑनर अब मेरी अदालत से ये दरखास्त है कि जब प्रेम कुमार का कत्ल हुआ ही नहीं तो मेरे भाई को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी किया जाए अदालत में पेश किए गए इस नए और चौंका देने वाले सबूत को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम अजय सक्सेना के खिलाफ लगाए गए इल्जाम को गलत मानते हुए ये मुकदमा रद्द करती है और उन्हें बाइज्जत बरी करती है भैया एसीपी साहब अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारा मकसद भी मुजरिमों को अपने अंजाम तक पहुंचाना है फर्क सिर्फ इतना है कि हम यह काम बगैर वर्दी में करते हैं और आप वर्दी में जगराज तुम्हारी बर्बादी का पहला नमूना तुम्हारा बेटा जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया और उस नौजवान वकील को मैंने ही बताया था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है और कहां छुपा हुआ है आराम सादा दीनानाथ और अब एसीपी प्रताप सिन्हा फ्लॉपी का राज उगलवाने के लिए प्रेम को टॉर्चर करेगा और कहीं अगर प्रेम ने अपना मुंह खोल दिया तो हम सबके गले में फांसी का फंदा होगा क्यों ना प्रताप सिन्हा को खत्म कर दिया जाए उस कमीने ने मुझे मुझे घर से बेघर कर दिया प्रताप सिन्हा के साथ साथ अब अजय और अमर का खत्म होना भी बहुत जरूरी है हाय धनराज जगराज एंड कंपनी कौन हो तुम मार्शल मार्शल ऐसे क्या देखता है मैं असली मार्शल हूँ हाँ मैं वही मार्शल हूँ जिसका 20 करोड़ रुपया तुम्हारा कंपनी ने चुकाना है बड़ा शर्म का बात है मुझे पेमेंट लेने के लिए खुद सिंगापुर से आना पड़ा मार्शल लेकिन मार्शल तो दीनानाथ वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक मामूली सा प्यादा है उसे मार्शल बनाकर मैंने ही भेजा था लेकिन उसने मेरा काम नहीं किया वो तुम्हारा क्या काम करेगा उसने तो हमारे साथ दूसरा पंगा खड़ा कर दिया है देखो मेरे को फंगा फंगा कुछ नहीं मालूम प्लीज डोंट मेक एनी एक्सक्यूज मुझे मेरा पेमेंट मांगता है दैट्स ऑल मार्शल क्या है हमें यकीन हो गया है कि तुम ही असली मार्शल हो दैट्स गुड मैं तुम्हारे रुपयों का इंतजाम अभी कर देता हूँ वेरी गुड रंगीला जी तुम हॉलिडे के रूम नंबर 116 में जाओ वहां पर जो हमारे फॉरेन के क्लाइंट्स आए हुए हैं उन्हें लेकर हमारे हथियारों के गोडाउन में जाओ उन्हें हथियारों की डिलीवरी देकर उनसे रुपया फॉरेन लेकर यहां चले आओ ठीक है यस वेलकम टू इंडिया मिस्टर डैन एंड मिस्टर फैन हेलो 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 कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान ओह यस यस हमको बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है तुमने पहले से बहुत देरी कर दी है हमको माल दिखाओ हमको माल चाहिए जल्दी करो और अगर माल रेडी है तो माल दिखाओ और माला माल हो जाओ अच्छा अच्छा अच्छा
चलिए चलिए प्लीज कम मिस्टर डैन एंड मिस्टर फैन। ये हमारे बहुत से गोडाउनों में से एक छोटा सा गोडाउन है। आप सैंपल देखेंगे? आइए कम। दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट एंड सोफेस्टिकेटेड स्टफ और हमारे सारे बॉक्सेस इनसे भरे पड़े हैं, सो क्वांटिटी इज नो प्रॉब्लम। इससे तो आपका बैंड भी बच सकता है। क्या मतलब? लाइट अप प्लीज। ओह श्योर, थैंक यू। वुड यू लाइक टू हैव अ सिगरेट? नो थैंक यू। आर यू रेडी मिस्टर डैन? ओह यस मिस्टर पैंग। ऑलराइट देन। आपका बैंड बजा रहे हैं। सबके सब बच जाएंगे, मेरे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इस शहर में हमारा ये नया दुश्मन कौन आ गया है? कौन है जिसने हमारा इतना नुकसान किया है? आखिर वो हमारे सामने आता क्यों नहीं? हेलो धनराज, हथियार से भरा तुम्हारा गोडाउन अब तक राख का ढेर बन चुका होगा। कौन हो तुम? वही दीनानाथ का बेटा जिनको तुम लोगों ने बेमौत मार दिया। हमारी मासूम बहन भी तुम्हारे जुल्म का शिकार बन गई। उसी दिन हम दोनों भाइयों ने कसम खाई थी कि जब तक हम तुम दोनों पार्टनरों को तबाह नहीं कर देंगे, हम अपने बदले की आग को बुझने नहीं देंगे। और हां, तुम्हारी लाश कहीं पड़ी सड़ती रहे यह हम नहीं चाहते थे, इसलिए तुम्हारी अर्थी को कंधा देने के लिए हमने तुम्हारे आदमियों को जिंदा छोड़ दिया है। जगराज, दीनानाथ के दोनों सपोले इसी शहर में आए और हमारी सारी बर्बादी के पीछे उन्हीं का हाथ है। बहुत अच्छे, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। हमने जगराज और धनराज के गोडाउन को तबाह करके उनकी बर्बादी की शुरुआत कर दी है, जो सीधे उनकी मौत बनकर खत्म होगी। तुमने गोडाउन का इंफॉर्मेशन देकर मुझे और बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा और कोई नहीं है। तुम ये मत समझना कि तुम अकेली और बेबस हो। मुस्कुराओ, मेरी मोहब्बत और मैं दोनों तुम्हारे साथ हैं। एक दूजे की धड़कन
बंधन है पुराना अच्छे साथ निभाना ये रिश्ता तो टूटे ना आज कभी थी तू और उस बक्से में हमें धोखा देकर क्या छुपाया है तूने? बक्से में इसने उसे यार के मोहब्बत भरे निशाने को छुपा रखा होगा जिसके पीछे ये भाग कर गई थी। मुझे तो लगता है भैया से इसका दिल भर गया है। दादी, तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? अब तू एक पल इस घर में नहीं रहेगी। कमीने, निकल यहाँ से। माँ, तुम ये बात इसे बरसों से कह रही हो क्योंकि तुम अब तक इसे पहचान नहीं सकी। अगर इसे मेरी नजरों से देखती तो अब तक इसे प्यार से अपने सर पर बिठा लेती। इसे सर पे बिठाऊंगी? इसे मैं अपने सर पे बिठाऊंगी जो तुझे छोड़कर बाहर किसी मर्द के साथ? ची ची ची, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है बेटा। और उस बक्से के बारे में पूछिए जिसने पता नहीं ये छुपा छुपा के क्या रखती है। जा, क्या छुपा के रखा है ले क्या हमारे सामने। जा, वो क्या लाएगी माँ? भैया के सामने उसका भेद खुल जाएगा ना। अब तो उसकी चोरी पकड़ी गई। आप मुझे चोर समझती है ना माँ जी? ये देखिए, देखिए इन्हें, देखिए गौर से आप, ये था इस बक्से में। राखियां? हाँ बेटा, हर साल मैं अपने दोनों बिछड़े भाइयों की याद में ये राखियां जमा करती हूँ इसी उम्मीद में कि किसी दिन मुझे मेरे बिछड़े हुए भाई मिल जाएंगे। मैं उन्हें राखियां भेंट कर दूंगी। आज परसों बाद हम रक्षाबंधन के दिन जो गाना गाते थे वो मैंने सुना तो मुझे लगा मुझे मेरे बिछड़े हुए भाई मिल जाएंगे। बस इसीलिए मैं बाहर भागी थी और इन्होंने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला, वो भी मेरे भाइयों को लेकर। शर्म आनी चाहिए माँ, एक सास बनकर नहीं तो कम से कम औरत बनकर एक औरत के जज्बात को समझने की कोशिश करो क्योंकि ममता की तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ममता और उसके लिए जिसने मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया, है कोई जवाब इसका तेरे पास? है मेरे पास। आप देखना चाहती है ना माँ, आइए मेरे साथ। शादी करना चाहती है तू? इससे शादी करना चाहती है तू जो खुद के कत्ल के इल्जाम में एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था? माँ, इसे बनाना चाहती तू अपना दामाद? अब यकीन आया? अब खुल गई आपकी आंखें? पुलिस वालों की नजर में तो हर कोई चोर होता है। चल बेटा, मैं प्रेम बेटी बेटी चल। बता इस साजिश के पीछे और किसका हाथ है और वो कहां मिलेंगे? बता। सर,
तुम यहाँ कैसे? इसे मैंने आजाद करवाया एसीपी प्रताप से ना। मेयर, ये तो हमारी जुर्म की शतरंज का एक मोहरा है। अब उस वक्त तक तुम हमारे पास रहोगे जब तक तुम्हारे पास रखी हुई वो फ्लॉपी हमारी जेब में नहीं आ जाती। ऐसा क्या है उस फ्लॉपी में? उस फ्लॉपी में वो केमिकल फॉर्मूला है जिसे पीते ही इंसान बम की तरह उड़ जाता है। हमने वो फ्लॉपी हासिल करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन हर बार तुम्हारी वो खूबसूरत पत्नी काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काटती थी। इसलिए हमने उसको वो सबक सिखाया कि आत्महत्या करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ऐन मौके पर वो हरामजादा अजय आ गया और उसने तुम्हारी पत्नी को मरने से बचा लिया। से तो फांसी हो गई होती, लेकिन दीनानाथ ने ये राज फाश कर दिया कि प्रेम जिंदा है और अदालत ने उसे रिहा कर दिया। उन दोनों भाइयों को तो हम जिंदा दफन कर देंगे, लेकिन फिलहाल तुम अपनी पत्नी को फोन करके बोलो कि वो फ्लॉपी यहां फौरन लेकर आ जाए, नहीं तो उसे तुम्हारी लाश क्रियाकर्म करने के लिए भी नहीं मिलेगी। कमॉन कमॉन, फोन करो। गोली मत चलाना वरना प्रेम को गोली लग जाएगी। जल्दी कर दो इस हरामजादे को। जैसे कुत्तों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां से तुम्हारे आने जाने का सिलसिला ही खत्म हो जाए। नहीं, 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 आंखों में रहता है चेहरा।
मिचोली खेल चुका है धनराज और जगराज के साथ। अब ध्यान से सुनो, जब तक मुझे फ्लॉपी या पैसा नहीं मिल जाता तुम मेरे ही कब्जे में रहोगे। यही धनराज की बेटी है, उठा लो इसे। चुपचाप अंदर चलो, चलो। अरे रे रे, मेरी जान, तुम्हारी जगह इस डिक्की में नहीं, रंगीला के दिल में है। अफसोस तुम्हारे अभी उस लवर को बुलाने का टाइम नहीं मिलेगा। आओ चलो। मुझे अंकल, अंकल ये लोग कौन हैं? मुझे यहाँ लाने और आपको इस तरह बांधने का क्या मतलब है? देखा दिनरात, तुमने अपनी चालाकियों से बरसों मेरी बेटी को मुझसे जुदा रखा, मगर आज मेरी चालाकी देख, मैंने अपनी बेटी वापस पाली है। आपकी बेटी? हाँ बेटी, तुम मेरी बेटी हो, मेरी अपनी औलाद। बेटी, मैं तुम्हारे कदमों में सारी जहां की खुशियां डाल दूंगा। धनराज, तू ना औलाद का सुख पा सकता है ना औलाद को सुख दे सकता है, क्योंकि तूने सारी जिंदगी दुनिया को दुख ही दिए हैं। तेरी वजह से मेरी बेटी चल गई, तेरी वजह से मेरे बेटे अमर और अजय मुझसे बिछड़ गए। अंकल, आपको तो बेटी मिल गई, लेकिन इसका क्या करें? जब तक इसके दोनों सपूत हमारे हाथ नहीं आ जाते तब तक इसकी हमें जरूरत है, ये हमारा मेहमान है। डैड, क्यों ना हम इसे डॉकयार्ड वाली कोठी में शिफ्ट कर दें? फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी कोठी में शिफ्ट करें, मुझे तो मेरे पेमेंट से मतलब है। मिस्टर धनराज, आज मुझे फ्लॉपी मिल जाना चाहिए, वरना रुपया। मिस्टर मार्शल, तुम चिंता मत करो, आज इसी भी प्रताप से हमें हमारी फ्लॉपी मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारा रुपया। I wish you all the best. Come on, boys. रंगीला, इस गद्दार को भी वहीं ले चलो, इसका अंतिम संस्कार भी हम वहीं करेंगे। ले जाओ इसे। अंकल, अंकल, बेटी, तुम रुक जाओ बेटी, तुम रुको बेटी। धनराज, अब जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे प्रेम के साथ कर दो। मैं हरामी जरूर हूँ जगराज, मगर इतना हरामी नहीं हूं कि एक हरामी की महा हरामी औलाद के साथ अपनी फूल जैसी बच्ची की शादी कर दूं। अंकल, माइंड योर लैंग्वेज। शट अप, वरना इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम दोनों को कोई पहचान नहीं पाएगा। अच्छा, जरा हुक्म करके तो देखो, फिर देखोगे गोलियां हम बाप बेटे पर चलती हैं या तुम बाप बेटी पर। मैं तुम्हें शाम तक का वक्त देता हूं, पंडित को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवा लो, वरना मैं पंडित को बुलाकर तुम दोनों के चौथे का इंतजाम कर दूंगा, समझे? कम ऑन डैड। हाँ
मैं अपने ही बनाए षड्यंत्र के दलदल में इतना धस चुका हूं कि अब मेरा उसमें से बाहर निकलना नामुमकिन है बेटी। और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी दलदल में धस जाओ। जाओ बेटी, मुझे छोड़कर भाग जाओ और जिसे तुम प्यार करती हो उससे जाकर शादी कर लो बेटी। लेकिन दादी, वो अमर जिसे मैं प्यार करती हूँ दीनानाथ अंकल का ही बेटा है। बेटी, तुम अमर के पास चली जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दीनानाथ को बचाकर अमर के पास लेकर आऊंगा बेटी। लेकिन दादी आप, मेरी चिंता मत कर मेरी बच्ची, जा भाग जा। नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं बेटी जा, वक्त बहुत कम है, जा भाग जा, जा बेटी जा। क्या बात है आशा? पता है अमर, तुम्हारे डैडी जिंदा हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ अमर, मैं सच कह रही हूँ, और वो कोई और नहीं, मेरे अंकल दीनानाथ जी हैं। दीनानाथ जी? हाँ। चलो मुझे अभी ले चलो उनके पास। लेकिन अमर, वो इस वक्त अपने घर पर नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो मेरे डैडी के पास है। तुम्हारे डैडी के पास? मगर उनकी तो हत्या हो गई थी ना? ये सब झूठ है अमर, सच तो ये है कि वो जिंदा हैं और तुम्हारे डैडी के पुराने साथी हैं। उनका नाम है धनराज। धनराज? अमर, अमर मैं जानती हूँ ये सब सुनकर तुम्हारे अंदर ज्वालामुखी फट पड़ा होगा, लेकिन तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है, और उसी का प्रायश्चित करने के लिए वो तुम बाप बेटों को मिलवाना चाहते हैं अमर। हाँ, मैं सच कह रही हूँ बेटे। अच्छा हुआ डैडी आप आ गए, अब आप ही अमर की सारी गलत फहमियां दूर कीजिए। गलत फहमी तो हम तुम्हारी भी दूर कर देंगे। तुम्हारी शादी इस टटपूंजिये से नहीं बल्कि हमारे बेटे प्रेम से होगी। मेरे बाप से दुश्मनी इतनी जल्दी भूल गए तुम कि यहाँ भी चले आए? हमारी दुश्मनी एक ड्रामा था बेटी। इस सपोले तक पहुँचने के लिए हमने तुम्हारे जरिए यह प्लान बनाया था। इसका मतलब आपने मुझे धोखा दिया? मुझे शर्म आ रही है अपने आप को आपकी बेटी कहते हुए। बच्चे, जिस तरह कौरवों ने अभिमन्यु को घेर कर मारा था, आज तेरी मौत भी बिल्कुल उसी तरह होगी। अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने के लिए सिर्फ आधी विद्या मिली थी, लेकिन तुम जैसे कमीनों के चक्रव्यूह से निकलकर तुम लोग का सर्वनाश करने की पूरी विद्या है मेरे पास। रंगीला, इसने और उसके भाई ने हमारी बहुत नींदें हराम की है। उस कुत्ते के पिल्ले से तो हम बाद में निपटेंगे। फिलहाल तुम इसकी बोटियां बोटियां करके कुत्तों को खिला दो। चलो बेटी, चलाओ। बोला था नहीं तो मरने को। ये खूबसूरत बाल, ये आंखें, गला छोड़ना। अरे कैसे हीरो बनूं यार, मुझे मेरे पार्टनर है ना, वो मुझे आगे करके खुद मार जाते। एसीपी रंगीला, भाग जाए यहां से, नहीं तो बहुत पड़ेगी। भाग। वो देखो, इसी भी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं अदा करना चाहता हूँ आप दोनों भाइयों का,
जी, मेरी बीवी की जान बचाकर अजय खुद जेल की सलाखों के पीछे चला गया और जबान तक नहीं खोले। वो आपकी पत्नी थी? हाँ। बात बोलती है। क्या कर रहे हो? इसको भी साथ ले चलते। ये तब तक हमारे साथ रहेगी जब तक इसकी जायदाद हमारी नहीं हो जाती और इसके भाई के साथ एक पुराना हिसाब किताब। क्या देख रही हूँ, क्या हो रहा है? मैं किसी का भाई भाई नहीं, मेरा रिश्ता सिर्फ रुपयों से। इस फ्लॉपी को बेच कर हम लोग करोड़ों कमाएंगे। चले चले चलो जान, तुम्हें मिसफल बना दे। आ जाओ। वो कमीने कहाँ मिलेगा? जरूर प्रताप। बेटा प्रताप, बहुत बुरा हुआ। प्रेम और तेरी मामा उमा राधा को उठा कर ले गए। बेटा, क्या नाम बताया आपने उस लड़की का? बेटा, ये लड़की आपको कहाँ मिली थी? रास्ते में बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ में नोटों से भरा बैग था। हाँ। एक मिनट, कहीं आप दोनों राधा के भाई तो नहीं है? पिछले राखी पे आप लोगों ने बचपन का गाना जी, आप लोगों ने जो बात बताई है उससे तो यही साबित होता है कि राधा हमारी बहन है। भैया, इसका मतलब है कि राधा दीदी जिंदा है? भैया, राधा जिंदा है मेरे भाई, राधा जिंदा है। लेकिन वो लोग उन्हें कहाँ लेके होंगे? मैं जानता हूँ वो लोग उसे कहाँ ले गए होंगे। आइए चलो। धनराज, कंग्रेचुलेशंस। हमारे साइंटिस्ट ने ये फार्मूला तैयार कर लिया है। ये रहा वो फार्मूला और ये रही फ्लॉपी। बट धनराज, मैं चाहूंगा कि टू बी वेरी श्योर, इस फार्मूले को अपने किसी बेकार आदमी पर इस्तेमाल करके देख लो। हमारे दुश्मन के होते हुए हमें अपने आदमी की जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम दोनों को खत्म करने से पहले ही मर जाऊंगा? मौत तो तुम्हारी हमारे हाथ लिखी है। उस दिन ना सही, आज सही। ये जाम आप लोगों की मौत के नाम। हट जाओ। क्या हुआ, फटा नहीं? बड़े बेवकूफ हो तुम लोग, और तुमसे बड़ा बेवकूफ वो साइंटिस्ट है जिसने उस नकली फ्लॉपी से वो बेहुदा फार्मूला उतार कर वो शरबत बनाया और तुम लोगों ने मुझे पिला दिया। खामोश। अगर जान प्यारी है तो बताओ वो फ्लॉपी कहाँ है, बताओ। कभी नहीं बताऊंगा, फ्लॉपी मैंने छुपा रखी है। मैं तुम लोगों की तरह वैश्य दरिंदा नहीं हूं जो लाखों और करोड़ों इंसानों की जिंदगियों से खेल जाऊंगा। फ्लॉपी तो तुम लोगों से मिलने का एक बहाना था। दरअसल मैं तुम लोगों से अपने बेटे अमर और अजय के खो जाने का बदला लेना चाहता था। तुम लोगों की लड़ाई में मैं अपनी बेटी राधा के जल जाने का बदला लेना चाहता था। शट अप, बताओ फ्लॉपी कहां है? आपकी बेटी राधा जिंदा है, आपके सामने खड़ी है। उस दिन मैं रुपयों का बैग लेकर चली गई और आज तक आप समझते रहे कि मैं तो मेरी बेटी राधा है। हिला मत। राज, कौन बाप चाहेगा कि वो अपनी जवान शादीशुदा बेटी का खुला बदन देखे? नहीं, खबरदार किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो। तुम देखते जाओ दीनानाथ, हम तुम्हारी बेटी के साथ क्या क्या करते हैं। नहीं, नहीं।
डोंट मूव। आगे बताना वरना आप राधा दीदी को हाथ नहीं लगाएंगे। तुम मेरे बीच में मत आओ बेटी, जाओ। मेरे हाथ मत लगाना। पापा, पापा। ले जाकर इसका इंतजाम कर दो। बॉयज इधर आओ। नहीं, इसे ले जाकर बांध। नहीं, नहीं।
राधा जानते हैं दोनों कौन है? तुम्हारे बचपन का खोए हुआ भाई अजय और अमर। हाँ राधा तुम्हारे भाई हैं ये। भैया लाइफ में विलन नहीं हीरो बनो। देखते नहीं बहन भाई मिल रहे हैं। हाँ ये। जगराज अपने आप को संभालो, दुश्मन चारों तरफ है, हमें सबसे पहले उनसे निपटना होगा। अपने हाथ में मत लो, ये काम कानून का है, कानून का ही करने दो। चलो हीरो ले जाओ इन दोनों को। राज दुश्मनी अपनी जगह पर, मगर तेरी बेटी सारी जिंदगी मेरी बेटी थी और सारी जिंदगी मेरी बेटी ही रहेगी। डैडी मुझे यकीन है कि जब आप जेल से लौटेंगे तो एक अच्छे इंसान बनकर। जरूर बनेगा। पिताजी मैं अजय और ये अमर। मेरे बच्चों दोनों से बिछड़ने के बाद मैं एक पल भी चैन की जिंदगी नहीं जी सका। मैं मर मर के जिया हूं, कहां कहां तलाश किया, दर दर भटका। मुझे लगता है भगवान ने मेरे ही गुनाहों की सजा राधा को दी है। ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ करो। नहीं पिताजी, हमें गर्व है कि हम आपकी औलाद हैं। बाबा भगवान अगर हमें दोबारा जन्म दे तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे पिता हो। मैं माँ के नाम पे कलंक हूँ, मैं तो तुम दोनों से माफी मांगने की भी हकदार नहीं हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए आप, माँ तो सिर्फ माँ होती है। आपको पूरा हक है कि आप हमारी गलतियों पे हमें डांटे। हाँ हमें सुधारे। माँ ये राधा के पिता है और ये दोनों इसके भाई हैं। नमस्ते। नमस्ते भैया, मुझे लगता है बाबा को बात बता देनी चाहिए। कौन सी बात? जब आप शिमला गए थे तकिए के नीचे इनकी तस्वीर मिली थी। कुछ नहीं पिताजी, वो ये भूल गए। मतलब मिलते ही असलियत जाहिर होगी तुम लोगों की। हाँ।
मुझे यारा तेरे प्यार ने मारा। तुन तारा रा मुझे यारा तेरे प्यार ने